feel the cold. आ गया तेरा भाई मंदिर में, और मंदिर में पास आते ही आते देखा कि पंडित जी अभी इसमें ट्रैक्टर में ये मतलब डेकोरेट कर रहे हैं, इसी में मतलब पंडाल टाइप का बन जाएगा, उसमें छोटी बड़ी कन्याएं विराजमान होगी, माताएं बहने, और फिर निकलते हैं। सोनू भाई अभी लोग आ गए हैं और बाकी लोग आते ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है यात्रा शोभा यात्रा निकलने को, तो अभी कम ही पब्लिक आई है, बाकी अपन देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएँ बाकी हैं पंडाल के पास भी, और डेकोरेशन का काम का तब तक शोभा यात्रा जाएगी, तब तक बाकी सारा काम हो ही जाएगा श्री राम की कृपा से, और जिसको भी जो जो काम वगैरह हैं। और मुकेश भाई तो देखो तलाई कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी है ना भाई खेत में, और झाड़ू पोछा का भी मतलब काम चल रहा है नगर पालिका के स्वामित्व से, क्योंकि कंकड़ पत्थर बालू इतनी पड़ी भाई के कुछ मत पूछो, किसी के पैर में ना चुपे राम भक्त के, और ऐसा ही हो अच्छी साफ सफाई तरीके से हो जाए वो ही अच्छा है। और आगे साइड भी देखते हैं अभी कि वहाँ भी क्या क्या है अभी, बाकी बस वही अभी थोड़ा बाकी रह गया जो ट्रैक्टर पे सजावट वगैरह होनी है तो वो हो जाए, उसके बाद बस निकलते हैं सब लोग शोभा यात्रा के लिए। बस इसकी मुकेश भैया तलाई अलाई भी करने, राजा राम भैया बहुत सारा काम कर रहे हैं, और देखते हैं क्या क्या काम अभी बाकी है, क्या क्या रह गया है, सभी राम भक्त मिल के कर लेंगे, और थोड़े से टाइम बाद भी माताएँ बहनें सब लोग आ जाएंगी, और यहाँ पर जो काम है वो बाकी लोग संभाल लेंगे, और जो भी ज़रूरत होगी भाई लोग तो सब लोग मिलके ही करेंगे, क्योंकि यार धार्मिक काम है, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई मिलके ना ही करे। और अभी अपन करते हैं, हम भी थोड़ा सेटअप अपना जमाया आ गए हैं बिल्कुल रेडी हो के, जय श्री श्याम, बाकी लोगों से मिलवाते हैं आपको जो जो साथ रैली में चलेगा, अंकुश भैया है, मुन्नी चचा लोग, बाकी दोस्त लोग सब लोग हैं, और कुछ ही पल बाद टाइम बाद भाई रैली चालू है, माताएँ बहन आते जा रही हैं, भले राम जी है, और बाकी जो लोग हैं वहाँ अभी मंदिर के पास सबके कलश रेडी हो चुके हैं, माता छोटे बच्चे ने सब ने अपना भगवा झंडा ले लिया है भाई सामने, माताएं लोग अब बाहर धीरे धीरे निकलेंगी, और मेन गेट से सीधा बाहर शोभा यात्रा के लिए हम लोग निकलेंगे। और अभी कुछ है जो घर से नहीं आ पाई हैं, तो वो जहाँ से अपन लोग नाश्ते से निकलेंगे ना भाई, तो वहीं से माताएँ बहनें लोग मिल जाएंगी और साथ में रैली में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कम ही लोग आ पाए हैं, और छोटे छोटे भैया लोग तो अपना झंडा लेके निकल रहे हैं आगे की ओर, बाकी हम लोग भी चलते हैं, अभी जो भी व्यवस्थाएँ हैं तो हम लोग थोड़ा पीछे ही जाएंगे, क्योंकि राम भक्त हैं तो यार पूरी व्यवस्थाएँ देखनी पड़ती हैं ना, समेत भाई सबको टीका कर रहे हैं, जय श्री राम जय श्री श्याम। और अभी महाराज जी भी आने वाले, हाँ ये लो फाइनल महाराज जी भी आ गए हैं, अब उनका आगमन की थारी देरी थी बाकी, तो बस वो आ जाएंगे तो बस यात्रा शोभा यात्रा चालू हो जाएगी, और आते ही लोग वागों ने भीड़ मचा ली भाई आशीर्वाद लेने के लिए, वहाँ पर गुरु जी से ये लो श्री वेदांत 1008 महाराज जी आ गए हैं आशीर्वाद लेके, बस शोभा यात्रा का जल्दी से जल्दी प्रारंभ करेंगे सब लोग, थोड़ा थोड़ा शिष्य लोग सब लोग, और विष्णु महाराज जी आ गए हैं शिव कृपा प्रसाद लेके, जिसमें पुराण रखी है भाई श्री सरकार की, तो सब लोग आशीर्वाद ले लेंगे गुरु जी से, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, और जल्दी करना है क्योंकि लेट भी भाई बहुत हो गया है ना, इस वजह से सिस्टम से तरीके से जल्दी जल्दी होता जाए। और महाराज जी भी आते जा रहे हैं, और शिष्य लोग हैं कि छोड़ ही नहीं रहे, सब कोई आशीर्वाद लेके उनको आगे बढ़ रहा है सब लोग, बाकी हम भी ले लेंगे अभी थोड़ी देर से, बाकी अभी थोड़ा शॉर्ट आउट कर लें आप लोगों के लिए, तो अभी महाराज जी अंदर जाएंगे, बस थोड़ा चेंज वेंज करेंगे जो भी जो वगैरह है उनका पूजा आराधना वगैरह, उसके बाद सा सम्मान रथ में विराजमान होंगे, और चलते हैं देखते हैं कि कैसा क्या है क्या नहीं है। फाइनल जय श्री राम हो ही गया भक्त, तो रैली प्रारंभ हो गई, माताएं बहनें सारी उपस्थित हो गई हैं, धीरे धीरे सब लोग बाहर निकलेंगे, और बाकी लोग जो रह गए हैं वो भी आ जाएंगे भाई, क्योंकि टाइम ज़्यादा होने को है, सभी बहन भाई लोग आ चुके हैं, और निकलते हैं सब लोग रैली के लिए, हम पीछे ही जाएंगे क्योंकि जो व्यवस्थाएँ हैं बाकी देखते चलेंगे, और सब लोग सा सम्मान जाहिर मंदिर के अंदर सारा सब कुछ हुआ था सेटअप, और वहीं पर कलश वलश सारे कन्फर्म और कम्प्लीट हो गए थे विथ पुताई के, एंड सजावट अंगजावट जो भी है सारे मंदिर में कंप्लीट आ गए, धम्मू भाई के छत पे यहाँ से भी थोड़ा शॉर्ट आउट कर लेंगे, यहाँ से पूरी रैली का अपन को पता चल जाए कितनी बड़ी रैली कितने कितने लोग आए हैं, तो बाकी सब लोग सब चाहिए, बस महाराज जी का आने का इंतजार है, बस बग्गी रखी हुई है उसमें सरकार विराजमान होंगे, सामने सरकार खड़े हैं श्री वेदांत 108 महाराज, घोड़े वाली बग्गी में बैठेंगे सरकार, उसके बाद यात्रा चालू की जाएगी, क्योंकि श्री गणेशाय नमः होगा और जय श्री श्याम होगा, और निकलेंगे सब लोग, माती बाकी माताएं बहनें बेटी कर रही हैं कि जैसे ही सरकार विराजमान हो और सब लोग रेल मतलब यात्रा का आनंद लें, और हम भी आनंद लेंगे क्योंकि हम तो छत में खड़े हैं, धीरे धीरे नीचे भी आ जाओ, नीचे भी पहुँचते हैं,
और ये क्या, अभी थोड़ा अभी बाकी लोग निकल गए हैं और शंकर जी भी यहीं रह गए हैं, और अभी देखते हैं पंडित जी भी आने वाले हैं छोटे छोटे। हाँ ये देखो पंडित जी के आ गए छोटे छोटे बच्चे, ये भी राधा कृष्ण जी बने हैं, सबको आशीर्वाद दे रहा है जन कल्याण की। बाकी यार व्यवस्था यहाँ पे अभी थोड़ी गड़बड़ सी दिख रही है, तो आ गया इसलिए तेरा तेरा भाई इक्का ब्लॉक भगवान झंडा लेके तेरा भाई इक्का आ गया है। मस्त अपना एंजॉय करेंगे, रैली का आनंद लेंगे, जय श्री श्याम। बाकी लोग भी आ गए, सब मस्ती में झूमेंगे नाचेंगे और मस्ती से सब लोग चलेंगे, और रैली में बहुत ही आनंद आएगा सभी लोगों को। फाइनल पान मंडी तगेला के पास में, यहाँ भी छोटी छोटी बड़ी बहनें डांस करके रैली का आनंद अनुभव कर, बात ही माताएं बहनें कलश लेके आगे चल रही हैं और डीजे के पीछे सभी बच्चे लोग डांस कर रहे हैं, मस्त राम लला सरकार की रैली का आनंद ले रहे हैं। और ऐसा ही चलता रहे, सभी लोग मस्त आनंद के साथ चलते रहे और बाकी सभी माताएं बहनें भी आकर रैली का लाभ अर्जित करें जो लोग नहीं आ पाए। आ गया है तेरा भाई फिर से राम ध्वज लेके और मस्त एंजॉय सबके बीचों में कर रहा है भाई, देखने को बनता है। सब लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे कि ना मैं कुछ अलग ही हूँ भाई, क्योंकि मैं तो अपनी मस्ती में मग्न हूँ और राम सरकार की कृपा आशीर्वाद से उन्हीं की रैली में आनंद लेते हुए बस धीरे धीरे निकलता हूँ आगे। और जय श्री राम, और सबको यही करता हूँ क्या सजेस्ट कि ऐसा करना चाहिए सब लोग सबको रैली। भाई काफ़ी रात हो गई है भाई, मतलब शाम टाइम, क्योंकि लेट हो गए थे ना भाई निकलते निकलते, तो कुसमा से वापस आ गए। अभी अपन लोग हैं कुसमा के मतलब खंदिया खाले पुलिस थाने के पास, यहाँ से बाईपास हम लोग गांव के अंदर से जाते हैं। जैसे चित्रकूट का परिक्रमा है ना भाई, वैसे निकलते हैं। कलश भी बहुत प्यारे लग रहे, सभी माता बहनें आ रही हैं और आते पहुँचती हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गड्ढा है जैसे मैं आगे खड़ा हूँ, शूट आउट भी कर रहा हूँ सभी का। तो अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा, आनंद की अनुभूति बहुत ही प्राप्त हो रही है सभी माता बहना। काफ़ी टाइम हो गया उनको कलश रखे रखे, उनको भी तकलीफ हो रही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, राम भक्त हैं सब लोग, तो इतना तो सब लोगों के लिए जायज़ है। बाकी अच्छा भी सबको लग रहा है और ऐसा ही होना चाहिए, जैसे सब लोगों के अंदर मनोकामना हो सबके प्रति वैसे ही। और सामने अभी रथ आएगा, उसमें पीछे हैं वेदांत जी महाराज और आगे कृष्ण कन्हैया और दौल लला सरकार, सब लोग विराजमान हैं और मस्त अपनी मस्ती में। Damn, girl, you got me going.
तेरा भाई आ गया है धम्मू की छत में, क्योंकि वापस आ गए रैली नजरबाग प्रांगण में, जहां से रैली प्रारंभ हुई थी श्री वेदांत जी महाराज हनुमान लाला सरकार की कृपा से। अब यहीं से शॉर्ट आउट करेंगे और रैली कैसा क्या है वो आपको सभी लोगों को दिखाएं, क्योंकि कहूँ तो शूट आउट नहीं कर पाइए। धीरे धीरे अपना झंडा आ गया राम सरकार का, रोहित भाई लिए मस्त भगवा को और लहराते हुए मस्त सबको आकर्षित कर रहे हैं। अभी मैंने किया था, अभी भाई कर रहे हैं, क्योंकि दो तीन पाइप तो मैंने ही भाई तोड़ के रख दिए थे, क्योंकि हैवी बहुत है ना इसके लिए। बाकी राम भक्त आते जा रहे हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं, अभी आते जाएंगे। यहाँ श्री राम जानकी मंदिर हनुमान लाला सरकार हैं और धीरे धीरे सब लोग भी आते जा रहे हैं और सब लोग आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। बहनें सभी आ गई हैं श्री राम जानकी मंदिर पंडाल में, जहाँ से यात्रा चालू हुई थी। काफ़ी टाइम हो गया, सभी माताएं थकी सी लग रही हैं, क्योंकि यार टाइम भी बहुत हो गया, सब लोग कलश रखे हैं ना सिर में, तो टाइम तो भाई लगेगा ही और तकलीफ थोड़ी हुई, लेकिन जय श्री राम के नारे लग गए तो सारी तकलीफ है। सब लोग अब जा रहे हैं पंडाल की ओर, जहाँ भागवत कथा होना है सभी माताएं बहनें, और हम भी वहीं पर जाएंगे, लेकिन अभी जो सूट आउट है वो सारा कर लें, उसके बाद वहीं पहुँचते हैं। बाकी सभी राम भक्तों को आनंद आ गया, आनंद की अनुभूति सबने की है, जितना सोचा नहीं था भाई उससे ज़्यादा हो गया। ये अपने आ गए हैं कृष्ण जी भगवान, राम जी, राधा जी, और पीछे हैं अपने श्री बागेश्वर गुरु महाराज, नहीं वेदांत जी महाराज, वो भी आएंगे अगर हो सका। पंडाल में आ ही गए हैं भाई, यहाँ की रौनक आप देख सकते कितनी अद्भुत है भाई। रामलला सरकार की जो रौनक होती है ना भाई, वो देखने को बनता है, आप देख ही सकते हो और अनुभव भी कर सकते हो कि हाँ कुछ है। तो वही सब दिखाने के लिए मैं पंडाल के अंदर आया हूँ और दिखाते हैं आपको। माताएं बहन सभी विराजमान है, जो कलश लेके आई थी माताएं लोग, अभी थोड़ी बहुत भागवत होगी, भजन कीर्तन होंगे, उसके बाद सब विदाई लेंगे और कल शाम 6 बजे से ये सब कुछ कार्यक्रम चालू हो जाएगा। हरी इच्छा के अनुसार जब तक हरी चाहेंगे तब तक भागवत चलती रहेगी और लोग बाग सब लोग अपने आनंद की अनुभूति करते जाएंगे और मिलते हैं कल। हो गया भाई भागवत कथा का कंप्लीट शुभारंभ, कल से होगा 6 बजे से, तो माँ की सब लोग दोस्तों लोग आना, कल से चालू है। जो महाराजपुर में वो तो आ सकते हैं, बाकी लाइव के माध्यम से देखेंगे सब लोग और दिखाएंगे हम सब लोगों को। जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम, जय जय श्री सकला जी।